The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, आज का टॉपिक है आपके प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग की, बल्कि एनल पार्ट्स में इचिंग। बहुत कॉमन, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। सबसे बड़ा पॉइंट है, अगर आपको हो रही है तो वो क्या है? क्या वो फंगल इन्फेक्शन है? क्या वो कोई और इरिटेशन, एलर्जिक रिएक्शन है? क्या का आपको बवासीर तो नहीं हो रहा, कहीं पाइल्स तो नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑल दोज थिंग्स एंड व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? क्या घर में कोई ट्रीटमेंट काम आएगा? क्या बाहर से कोई चीज़ लेके आओगे तो काम आएगा? क्या करना होगा आपको? आज वो पूरी चीज़ें आज वो डिस्कस होंगी आपके सामने। सो व्हाट इज एनल इचिंग अराउंड योर एनस? ऑब्वियसली कई बार किसी किसी को वो एम्बेरसिंग हो सकती है, अनकंफर्टेबल हो सकती है, भाई कपड़े पहनने में भी दिक्कत हो सकती है। एंड यस, देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्किन प्रॉब्लम, हीमोरॉइड्स, एंड हो सकता है आप वॉशिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो। अगर आप बम ज़्यादा वॉश कर रहे हो, भाई नहीं वॉश कर रहे हो, हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हो, तब तो होगी, मगर ज़्यादा कर रहे हो तब भी हो सकती है। ओवर वॉशिंग कैन हैव सम एलर्जिक रिएक्शन। ड्राइनेस अगर परसिस्टेंट है, बार बार हो रही है लगातार, एक आध दिन के लिए भी ठीक हो गई और सेल्फ ट्रीटमेंट से ठीक हो गई, तब तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो एनल इचिंग होगी, मतलब क्या होगा? आसपास, एनस के आसपास, लैट्रिन के रास्ते के आसपास आपको बर्निंग हो सकती है, लालपना आ सकता है, दर्द भी हो सकता है। इचिंग एंड इरिटेशन टेम्प्रेरी हो सकता है, परसिस्टेंट हो सकता है, कॉज के ऊपर डिपेंड करेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहां पर आपको फोड़े आ गए हैं, फुंसियाँ आ गई हैं, पस निकल रही है, तो ऐसे कंडीशंस में या किसी भी प्रकार के कंफ्यूजिंग कंडीशन में डॉक्टर को दिखाना है। अब इसके कारण क्या है? सबसे पहला कारण होता है, कई बार कुछ इरिटेंट्स होते हैं, इरिटेंट्स, जैसे कि मान लीजिए आपको डायरिया हो रहा है, तो डायरिया बार बार जाना, बार बार जाना, वो अपने आप में एक इरिटेशन है। मान लीजिए आप कोई ऐसा साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा वाइप्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपको, मान लो जब सेंटेड वाइप्स हैं, साबुन में जो सेंट है, फ्रेग्रेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा हार्श है, बहुत एग्रेसिव है, या बहुत एग्रेसिवली आप वॉश कर रहे हैं, तो दैट इज़ एन इरिटेंट टू दैट एरिया, वो भी खुजली कर सकता है। आपको उन पर्टिकुलर साबुन से, उस पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जीज हो सकती है। उसके अलावा प्रॉपर स्किन कंडीशन हो सकती है, जैसे कि सोरियासिस या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इज ऑल्सो एन एलर्जिक रिएक्शन टू दैट साबुन या उस फ्रेग्रेंस या इवन लोशन, समटाइम बॉडी लोशन। फिर देर कैन बी इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस मतलब सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, खासकर एनल सेक्स के बाद, इवन वेजाइनल सेक्स के बाद हो सकती है। पिन वर्म इन्फेक्शन, एक वर्म होता है, कीड़ा होता है पिन वर्म, वो खुजली करेगा। और यीस्ट इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शंस के बाद खुजली हो सकती है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस है जिसमें खुजली हो सकती है, जैसे डायबिटीज, थायराइड प्रॉब्लम, हाइपोथायराइड, एनल ट्यूमर और बवासीर, बवासीर से भी खुजली हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों में आपको एनल यानी कि लैट्रिन के रास्ते में खुजली हो सकती है। अब सवाल पैदा होता है कि ये है कि वो है, ऐसा पता कैसे चले? खुद के लिए डायग्नोसिस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए डॉक्टर का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपकी पर्सनल हिस्ट्री और वहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन से समझ में आएगा। आपको देर इज़ समथिंग, कई सारे टेस्ट होते हैं, देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज पिन वर्म टेस्ट, वो अलग है, वो उसके बाद में बात करेंगे। अब अगर इचिंग का कॉज ऑब्वियस नहीं है तो फिर एक डॉक्टर किसी स्किन स्पेशलिस्ट की भी ओपिनियन ले सकता है कि कहीं वहाँ स्किन कंडीशन तो नहीं है सोरियासिस या कोई डर्मेटाइटिस टाइप। एक नॉर्मली आप लैट्रिन के रास्ते में खुजली के लिए एक जनरल सर्जन के पास, या फिर एक, क्योंकि रेक्टल एग्जाम नीचे से एग्जामिनेशन करना है, सर्जन करता है, या तो फिर एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, यूरोलॉजिस्ट या जनरल सर्जन के पास जाते हैं। ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा
क्या कॉज है, क्या कारण है। अगर मान लीजिए लगता है कि आपको खुद कोई एंटी इच मेडिकेशन लेनी है, कोई भी ट्रीटमेंट लेना है, तो यस यू कैन टेक अ लोकल, एक बहुत कॉमनली एंटी फंगल मेडिकेशंस आती हैं, कई बार कॉम्बिनेशन आता है एंटी फंगल, माइल्ड स्टीरॉयड और एंटी बैक्टीरियल, तीनों कॉम्बाइंड होते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। ऑल्दो अब ज़्यादातर ऐसे कॉम्बिनेशंस बैन हो रहे हैं, तो इसलिए डॉक्टर को दिखा के खुद लेना ज़्यादा अच्छा है, डॉक्टर को दिखा के लेना ज़्यादा बेहतर। दवा क्रीम लगाने वाली, अगर बवासीर है तो बवासीर पे क्रीम लगाई जाती है, एनोवेट टाइप क्रीम्स। अगर मान लीजिए एलर्जिक रिएक्शंस हैं तो कोई साथ में एंटी इचिंग क्रीम के साथ ओरल एंटी हिस्टामिन एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस देनी पड़ती है। अगर हमें एलर्जिक रिएक्शंस लग रहे हैं किसी प्रकार के, एलर्जिक डर्मेटाइटिस जैसी चीज़ लग रही है तो, या फिर अगर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और नहीं ठीक हो रहा, तब जाके फिर टेस्टिंग की बात आती है कि भी स्किन डॉक्टर के साथ आप मिलके टेस्टिंग करो कि एग्जैक्टली क्या कारण। कभी कभी अंदर छोटा सा एंडोस्कोप या फिर वो प्रोक्टोस्कोपी करनी पड़ती है कि कहीं अंदर कोई इशू तो नहीं है, अंदर सूजन तो नहीं है जिसके वजह से स्किन स्ट्रेच हो रही है। प्रोक्टोस्कोपी इज अ डिफरेंट वीडियो, वी हैव ऑलरेडी मेड। अब आखिरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है वो है उसका होम रेमेडी। होम रेमेडी क्या है? सब कुछ ठीक है लेकिन अगर आपको होम रेमेडी नहीं पता, राइट, सबसे बड़ी बात जो है एनल इचिंग में होम रेमेडी यानी घर में क्या कर सकते हैं आप। सो प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन क्या है, होम रेमेडी क्या है, फिर से ना हो उसके लिए क्या करें, फिर से ना हो, सबसे पहला बेसिक रेमेडी है वॉशिंग। वॉशिंग करनी पड़ेगी आपको प्लेन वाटर से या माइल्ड सोप से, आप कोई भी नॉन फ्रेग्रेंट सोप से वॉश करें, ज़्यादातर मैं तो कहूँगा लिक्विड सोप से वॉश करें। उसके अलावा स्क्रबिंग, बहुत ज़्यादा खतरनाक स्क्रबिंग अवॉइड करें, कोई भी उसको पैट ड्राई करें, उसको रगड़ रगड़ के सुखाएं ना उस एरिया को। अगर आपको लूज मोशन है या फीकल इनकॉन्टिनेंस है, डायरिया है, तो भी आपको मॉइस्ट कॉटन बॉल से वो एरिया सॉफ्ट करना चाहिए, या फिर सिंपल आप जैसे पानी है उसमें जेट से, जेट वाले तेज जेट से नहीं साफ करें, स्क्वर्ट बॉटल आती है जिसमें हल्के से पानी आता है उससे साफ करें, या तो मग्गे से साफ करें जो दुनिया में चलता है, इंडिया में चलता है, राइट। और उसमें एक आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक मॉइस्ट कॉटन बॉल को आप मॉइस्चर मॉइस्ट कॉटन एनस के बाहर लगा लें थोड़ी देर के लिए, उसको अप्लाई करने से भी फर्क पड़ेगा। यस, मॉइस्ट कॉटन बॉल एनस में, एनस की ओपनिंग में लगा लें थोड़े देर, स्क्रैच नहीं करना। फर्स्ट रूल है क्लीन जेंटली, जब भी क्लीन होगा वो एरिया जेंटली होगा। सेकेंड रूल है डू नॉट स्क्रैच, उस एरिया को स्क्रैच नहीं करना, खुजली नहीं करनी। जब भी खुजली हो मॉइस्चराइजर लगाओ या फिर ड्राई रखो, उसको मॉइस्ट रखो, उसको गर्मी में मत लेके जाओ, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, ड्राई होगा, खुजली होगी। अगर आपको लगता है तो आप ओट मील ल्यूकवॉर्म ओट मील बाथ ले सकते हो, ओट मील को ल्यूकवॉर्म यानी गर्म कुनकुने पानी में बाथ ले सकते हो। नाखून अपने काट लेना क्योंकि भाई हाथ जाता ही है खुजली करने को। ग्लव्स पहन सकते हो अगर ज़्यादा आ रहा है कि रात को पता नहीं सोते हुए खुजली कर लो, तो सोते हुए ग्लव्स पहन के सो। जी हाँ, ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, आपके बहुत काम आएंगे। और अंडरवेयर जो है ढीली होनी चाहिए, कॉटन की होनी चाहिए, और बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए, टाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी तरीके का टाइट वो नहीं पहनना है अंडरवेयर। इरिटेंट्स अवॉइड करने हैं, कोई भी डिओड्रेंट, कोई बबल बाग, कोई हार्श परफ्यूम्ड सोप्स, मॉइस्ट वाइप्स नहीं यूज़ करना, राइट। टॉयलेट पेपर्स ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ करना, सेंटेड वाले अनसेंटेड टॉयलेट पेपर यूज़ कर सकते हो, उससे वाइप नहीं करना, पैट करना है, ठीक है, पैट करना है, वाइप नहीं करनी है। वाइप करने के लिए आपको थोड़ा पानी यूज़ करना है, पानी के बाद पैट करना है। उसके अलावा चेंज योर डाइट, डाइट में आपको कॉफ़ी, कोला, अल्कोहल, लिख लो, कॉफ़ी, कोला यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, सिट्रस फ्रूट्स यानी कि नींबू, ऑरेंज, चॉकलेट, स्पाइसी फूड, टमाटो, इस प्रकार के खाने जो है अवॉइड करें या ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि इनसे डायरिया हो सकता है।
और लेग्जेटिव्स अगर लेते हैं, पतला करने की दवा लेते हैं स्टूल, तो वो अवॉइड करें, ओवर यूज ना करें उसका। ऑइंटमेंट या फिर जेल आप लगा सकते हैं ऐसे एरियाज पे, समथिंग लाइक कौन कौन से लगा सकते हैं, जिंक ऑक्साइड का ऑइंटमेंट, वैसलीन पेट्रोलियम जेली, या फिर अगर बहुत खुजली हो रही है तो हाइड्रोकॉर्टिसोन की क्रीम 1% दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हैं जब तक सिम्टम खुजली खत्म ना हो जाए। और बहुत जरूरी है एक फाइबर डाइट में रखें अपने, सही मात्रा में पानी लें ताकि आपकी मोशंस जो हैं सही आए। इतना करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इससे नहीं हो रही तो चुपचाप डॉक्टर के पास जाए, आपके बस की बात नहीं है, आगे का डॉक्टर ट्रीटमेंट बताएगा। ऑलराइट, दिस इज अबाउट जेनेटा रीचिंग, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड प्लीज शेयर द वीडियो।